चैनल और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पहले अपडेट के साथ, जो कि WWE फास्ट लेन पेपर व्यू इवेंट के बारे में। तो गाइस, अभी रिसेंटली WWE ने एक प्रेस रिलीज इशू किया जहां पर उन्होंने ये बताया कि इस साल फास्ट लेन पेपर व्यू इवेंट कंपनी की हिस्ट्री का हाईएस्ट ग्रोसिंग पेपर व्यू इवेंट बन चुका है। और गाइस, सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2021 के मुकाबले इस साल के फास्ट लेन पेपर व्यू इवेंट की व्यूवरशिप 71% बढ़ी है। और अगर बात करें स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू की, फास्ट लेन पेपर व्यू इवेंट की स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू 60% बढ़ी है। इस साल का फास्ट लेन पेपर व्यू इवेंट हाईएस्ट ग्रोसिंग इवेंट बन चुका है। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो कि ड्रैगन ली के बारे में। तो गाइस, अभी रिसेंटली WWE ने ट्रिपल ए लुचाडोर को स्मैकडाउन के मेन रोस्टर में ऑफिशियली मूव कर दिया है। आप सभी लोग जानते हैं ड्रैगन ली ने 25 सितंबर रो के एपिसोड में डोमिनिक मिस्टीरियो को नॉर्थ अमेरिकन टाइटल मैच के लिए फेस किया था अपने डेब्यू मैच में, और 29 सितंबर को स्मैकडाउन के एपिसोड में रे मिस्टीरियो सैंटोस एस्कोबार वर्सेस ऑस्टिन थियरी और ग्रेसन वॉलर के बीच टैग टीम मैच हुआ था। उस दौरान ड्रैगन ली ऑडियंस में बैठे हुए थे। और गाइस, 6 अक्टूबर को ड्रैगन ली ने ब्लू ब्रांड यानी कि स्मैकडाउन के एपिसोड में अपना डेब्यू मैच लड़ा था ऑस्टिन थियरी के साथ, और उस मैच में उनको जीत मिली थी। आप इस फोटो में देख सकते हैं ड्रैगन ली को WWE ने ऑफिशियली स्मैकडाउन के मेन रोस्टर में मूव कर दिया है। मैं आप सभी को बता दूं कि ड्रैगन ली ने WWE को साइन साल 2022 दिसंबर में किया था। और गाइस, एक साल के अंदर ड्रैगन ली WWE के मेन रोस्टर में मूव हो चुके हैं। तो अब देखते हैं ब्लू ब्रांड में ड्रैगन ली की राइवलरी ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थियरी के अलावा किसी और सुपरस्टार के साथ भी शुरू होती है नहीं। तो गाइस, अब बात करते हैं इस हफ्ते होने वाली मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू के बारे में, जिसके लिए WWE ने कुछ मैचेस और सेगमेंट्स अनाउंस कर दिए हैं। गाइस, इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ का फॉलोआउट एपिसोड होगा फास्ट एंड पेपर इवेंट के बाद, और ये एपिसोड ओमाहा के CHI हेल्थ सेंटर में होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वुमेन्स डिवीजन मैच की। तो पहले वुमेन्स डिवीजन मैच में रकेल रोड्रिगस फेस करने वाली है नाया जैक्स को। गाइस, पिछले हफ्ते मंडे नाइट रॉ के किक ऑफ में रकेल रोड्रिगस, रिया रिपली, नाया जैक्स, शेना बेजलर, जॉय स्टार्क, इन सभी के बीच हमें ब्रोल देखने को मिला था, और इस हफ्ते WWE ने इनका ये मैच ऑफिशियल कर दिया। और गाइस, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये मैच जॉय स्टार्क, रिया रिपली और शेना बेजलर के इंटरफेरेंस की वजह से रोका जाएगा। और गाइस, सेकंड मैच WWE ने अनाउंस किया जहां पर बैकी लिंच अपना WWE NXT वुमेन्स चैंपियनशिप टाइटल डिफेंड करने वाली है टीगन नॉक्स से। गाइस, 3 हफ्ते पहले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में बैकी लिंच ने टीगन नॉक्स का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था टाइटल शॉट के लिए, लेकिन नो मर्सी पेपर व्यू इवेंट में टिफिनी स्टैटन के साथ बैकी लिंच का एक्सट्रीम रूल्स मैच हुआ था। और गाइस, उस मैच के दौरान बैकी लिंच इंजर्ड हो गई थी और उनके हाथ में 11 टांके आए थे, और उसके बाद जो मंडे नाइट रॉ में उनका मैच होना था वो कैंसिल हो गया था। और अब ऑफिशियली टेगन नॉक्स और बैकी लिंच का WWE NXT वुमेन्स चैंपियनशिप टाइटल मैच इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में होने वाला है। तो गाइस, अब देखते हैं कि क्या बैकी लिंच अपना NXT वुमेन्स चैंपियनशिप टाइटल टीगन नॉक्स से रिटेन कर पाती है या नहीं। और गाइस, WWE ने आखिरी मैच अनाउंस किया जहां पर कोफी किंगस्टन और आईवार एक दूसरे को फेस करने वाले हैं वाइकिंग रूल्स मैच में। गाइस, पिछले 2 महीनों से वाइकिंग रेडर्स और न्यू डे के बीच की राइवलरी चलती आ रही है, और हर हफ्ते दोनों टीम्स के मेंबर के बीच हमें सिंगल्स मैच देखने को मिल रहे हैं, और इस बार WWE ने इनका वाइकिंग रूल्स मैच अनाउंस किया है। तो गाइस, अब देखते हैं इस मैच में एक्जेवियर वुड्स और एरिक का इंटरफेरेंस होता है या नहीं, या कोफी किंगस्टन खुद ही आईवार को वाइकिंग रूल्स मैच में हरा देते हैं। और गाइस, इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें न्यू WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स और मेन इवेंट जे उसो को चैंपियनशिप सेलिब्रेशन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि फास्ट एंड पेपर व्यू इवेंट में द जजमेंट डे को हराकर कोडी रोड्स और मेन इवेंट जे उसो अनडिस्प्यूटेड टैग चैंपियन बने हैं। तो गाइस, इसके अलावा WWE ने अब तक कोई भी मैच अनाउंस नहीं किया मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही अगर आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले, लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। Thanks for watching. This could do it. 2. And Fandango just manages to roll the shoulder out. Display of power. Here's a cover. 2. And he manages to get the shoulder up. Oh, mama! Fandango floored. He's floored. Hey, where's your fancy footwork now, Fandango?
truth with the offense. And I think he's begging him to bring it. Oh, look at the emotion. Oh, look at the emotion. Oh, look at the emotion. He's got him up. R-Truth with the offense. He seems dazed. He's confused. Oh, jeez. Knee to the gut. That'll take the fight out of you. Hey! Oh, man! That'll take the wind out of your sails. Will it be? Two. Three. I don't believe it. This one's over. Here is your winner, R-Truth. Well, at least one superstar is happy that this one's over. You said it. The only good thing for him is that the beating stopped.